हेलो एवरीवन, इट्स मी अंशली फ्रॉम अंशलीज फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। सो अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियो। तो गाइज, आज मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छा सीन दिखाने वाली हूँ, और ये सीन अगर आप समझना चाहते हो कि कहाँ का है और क्या है मेरे मंदारमनी ट्रिप का, तो प्लीज़ गाइज वॉच द फुल वीडियो फॉर मोर अपडेट्स। तो गाइज आप देख सकते हैं, यस, ये आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि ये कहाँ है। गाइज़ ये वही क्लासिक बीच रिजॉर्ट है जहाँ पे मैं मंदारमनी में रुकी हुई हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, और ये मैं इवनिंग में, आई थिंक इवनिंग क्या, लेट इवनिंग में स्विमिंग कर रही थी। बिकॉज मैंने आपको इसके फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि मुझे स्विमिंग करना भले ही नहीं आता हो, लेकिन मुझे पानी में स्विम करने की कोशिश करना और पानी में वक्त बिताना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए आप ये देखिए, मैंने ये ट्यूब टायर जो है ये भी ले लिया था, और इसको अपने ऊपर लगा दिया, और फिर मैं सोच रही कि अब थोड़ा रिलैक्स करूँ पानी के अंदर। एंड जस्ट गाइज सी द एम्बियंस। क्लासिक बीच रिजॉर्ट का एक सबसे बड़ा बिगेस्ट एडवांटेज जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है, मैं सबको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि ये जो स्विमिंग पूल है ये सिर्फ मॉर्निंग आवर्स में, आफ्टरनून में या अर्ली इवनिंग में ऐसा नहीं है, ये शाम को 6 से 10 बजे तक भी ओपन रहता है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी खासियत है। और मैंने स्पेसिफ़िकली ये रिज़ॉर्ट इसीलिए बुक किया था क्योंकि मुझे स्विम करना पसंद है, और मैंने ये सोचा कि बाकी स्विमिंग पूल तो जल्दी बंद हो जाते हैं, बट यहाँ पे आप 10 बजे तक आपको ये अलाउ किया जाता है कि आप आराम से स्विम कर सकते हो। और क्या माहौल है गाइस, क्या लाइटिंग सेटअप है, तो यही मेरा दिल जीत लिया था। तो ये सारा प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही मैं यहाँ पे मैंने बुकिंग की थी, तो इसलिए मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा स्विमिंग हो गया था, मैं अभी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो मेरा डिनर हम लोगों ने पहले से बता दिया था हमें क्या खाना है। तो अब मैं आपको इसका रेस्टोरेंट दिखाती हूँ। अब मैं रेस्टोरेंट के अंदर एंटर कर रही हूँ, और ये देखिए, और अभी चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने क्या फ़ूड ऑर्डर किया था। तो मुझे भूख लग रही थी, तो इसके वजह से मैंने चाइनीज़, आज मन था कि चाइनीज़ खाते हैं, सुबह में तो बंगाली कुजीन सुशी फूड वगैरह खा लिया था, तो मन किया कि आज चलो थोड़ा सा कुछ अलग खाते हैं। चाइनीज़ मैंने ऑर्डर किया था, तो मैंने चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किया है। तो बात करें अगर इसकी खाने की, तो ये आई थिंक जिन लोगों का क्वांटिटी कम है, जैसे मेरा थोड़ा क्वांटिटी कम है राइस के मामले में, तो इसमें आराम से 2 लोग खा सकते हैं, ठीक है। अभी किसी का अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा राइस खाना प्रेफर करते, तो शायद उन्हें थोड़ा ये राइस कम पड़ जाए। तो ये एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्वांटिटी शायद 2 लोगों के लिए कम पड़ सकता है, बट जो चिली चिकन हमने ऑर्डर किया था सेमी ग्रेवी वाला, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी, और उसमें आप देख सकते हो 12 पीसेस थे टोटल। तो खाना ओवरऑल अच्छा ही था, ख़राब नहीं था मैं कहूँगी। और वहाँ से निकलने के बाद का पैम्पकिंस देखिए, काफ़ी ज़्यादा सुंदर, और ये थोड़ा डिस्को लाइट विथ ऐसे ब्लू कलर के लाइट्स, और इतना अच्छा एम्बियंस क्रिएट किया हुआ था ना, मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ का माहौल फुल सेट था। अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आते हो तो डेफिनेटली, या बच्चों के साथ भी आते हो, डेफिनेटली यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम इन कैन, ये जो इन दिस होटल, इन दिस रिजॉर्ट। एक्चुअली क्लासिक बीच रिजॉर्ट का मेरा जो सफ़र था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। स्पेसिफ़िकली जो रात का व्यू है, दैट इज़ एक्सट्रीमली प्रिटी, एंड ये जो हमेशा होता है ना, लाइट को ये चेंज करते रहते, तो जिसकी वजह से इसकी जो खूबसूरती है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग जाती है। अभी 11:30 बज रहा है, तो इसलिए जो स्विमिंग पूल की लाइट्स है वो बंद कर दी गई है, लेकिन बाकी जो लाइट्स हैं वो अच्छे से जल रही हैं, और यहाँ हमेशा लाइट्स जलती हैं, 12:30-1 बजे तक तो आई थिंक जलती ही हैं। तो गाइज, आई थिंक अगर आप मंदारमनी के लिए प्लान कर रहे हो समर्स में या फिर जो भी, तो आपको डेफिनेटली यहाँ आना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।